खुशी जल्दी से आ जा, आज तो सच मुझ नतीब हो गया जो तुझे दुनिया के धूप से बचाते थे, तुझ पर साया करते थे, वो चले गए। मुझे एक बार कुमार को नहीं देने दो, एक बार चले गया तो मान से निकले, मैं मेरी नजर नहीं आएगी, मेरी कभी नजर नहीं आएगी, उनको बोलो बोलो। आपको शीर मैं चाहता हूं कि रोज अपने घर में ऐसे ही चरागा करूं, इसीलिए तुम्हारी वापसी के इंतजार में रोज दिन गिनता रहता हूं। जब तुम लौटोगे तो इससे बढ़कर शानदार इस्तकबाल होगा तुम्हारा। बेटा तुम मुझे बहुत अजीज हो, हर दुख सुख में साथ रहे हो। रुतबा अगर मेरी जान है तो तुम भी मेरे लिए बेटों जैसे अजीज हो। खुर्शीद साहब दरवाजा खोले, खुर्शीद साहब, खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब प्लीज आप दरवाजा खोलिए, खुर्शीद साहब। की मोहब्बत जिंदा रखती है, बेवफाई मार देती है। शीत से बेवफाई का तुम सोच रहे हो? रुतबा बेटी, खुर्शीद का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहता है। खुर्शीद से बात करना चाहता है। तुम ठीक हो रुतबा? रो मत, लकीरों को तकलीफ पहुंचेगी। अब तक नहीं रोई थी, मगर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करूं, सबर ही नहीं आ रहा।
बहुत खुशकिस्मत हो तुम, उनके आखिरी लम्हों में उनके साथ थी। मैं तो सारी जिंदगी उन्हें ढूंढता रहूंगा। तुम खुशकिस्मत हो खुर्शीद, आखिरी वक्त तक पापा जिसकी तारीफ कर रहे थे वो तुम हो। पापा जिससे खुश थे वो तुम हो। मेरी एग्रीमेंट के मुताबिक मैं 6 महीने से पहले पाकिस्तान नहीं आ सकता। पासपोर्ट नहीं दे रहे वो मेरा। तुम्हें आना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई मुतासर होगी। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। मैं जब पाकिस्तान वापस आऊंगा तो तुम्हारी हर ख्वाहिश का पास रखूंगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। खुदा प्रॉपर्टी के कागजात जो मामू दबाए बैठे थे, मेरा हक। आखिर मुझसे कब तक दूर रहते हैं? पापा मैं तो कहती हूँ तिजोरी की चाबी भी ढूंढ लेते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ छुपा के रखा होगा, पता चले बाद में हमारे हाथ कुछ ना लगे। खैर जो जिसके नसीब में होगा उसे मिलके रहेगा रौनक। वैसे मुझे तुम ये बात बताओ कि जिस दिन भाई साहब का इंतकाल हुआ उस रात तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? खुर्शीद से तलाक लेकर मिलता मुझसे शादी करना चाहती हूँ। याद रखना रुतबा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बाबा दूसरी जगह मेरी दुखी रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा आपसे ऐसा है तो मेरी कब्र की मट्टी से मेरे और अपने तमाम बदख्वाहों की मुंह बंद कर दे। मतलब है आखिर ऐसी कौन सी राजो न्याज की बातें हो रही हैं जिनका मुझे इल्म ही नहीं? वो क्या हो रहा है ना रुतबा बेटा, क्या होना है? बस भाई साहब की याद ताजा कर रहे थे, पूरे घर में उनकी खुशबू बिखरी हुई है, उसे ही महसूस कर रहे थे।
ठीक कहा आपने, वाकई इस घर में बाबा की खुशबू बसी हुई है, उनकी यादें हैं, पर इस कमरे से तो और भी बहुत सी चीजों की बू आ रही है। और तुम, बाबा की कब्र की मिट्टी अभी गीली है अल्तमश, पर अच्छा है कि तुम अपना हिसाब अभी से साफ कर लो। ये फाइल्स मैंने देखी हैं, इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, बाबा तुम्हारे नाम कर चुके हैं, तुम इसे रख सकते हो। मैं मेहर अली खान की बेटी हूं, उन्हीं की तरह बाजर्फ और बाइज्जत। आप लोग फिक्र ना करें, आप सबको बहुत कुछ मिलेगा। हो सके तो बाबा के लिए दुआ कर दीजिएगा। बेटा, जिंदगी मुख्तसर सफर का नाम है। हर बुझते दिए की ख्वाहिश होती है कि वो बुझने से पहले नए दिए रोशन करे। बाप, मेरे सीने में धड़कता दिल है तो तुम रोशनी हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी रोशनी होगी खुर्शीद, जैसे तुम हर रास्ते को वाज़े देखोगे, और तालीम तुम्हारा हथियार होगी, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा। खैर से जाओ खुर्शीद, अपने बच्चों को ऊंचे मकाम पे देखना ही मेरे लिए की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहे। नीचे गिर जाए। अपने जज्बों को लगाम डालो अल्तमश। इनकी लगाम है तुम्हारे हाथों में, जहां दिल करे ले जाओ। मैं अब खाली बातों से बहलने वाली नहीं हूं। बाबा जा चुके हैं, अब मैं वो रुतबा महरारी नहीं रही जो नादान थी ना समझ थी। मैं फैसले लेने वाली समझदार औरत बन चुकी हूं। ये मकाम, ये मर्तबा,
पूर्व कारण दास तुम्हें मुबारक रत सब तुम पे जश था। मुझे अपनी जिंदगी में रुतबा मेहर अली की तरह की लड़की चाहिए। बताओ ऐसा क्या करना होगा मुझे कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ और हम दोनों एक दूसरे से अपने दुख सब बांट सके। पापा ना अपना सब कुछ मेरे नाम करके गए हैं, इतना सब कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाहर वकील साहब बैठे हैं, आज से कानूनी तौर पे सब कुछ मेरा हो जाएगा। पर ना मैं बखील हूँ और ना ही लालची, इसीलिए मैंने सोचा है कि जो बाबा के करीबी रिश्तेदार थे उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। जबकि मैं जानती हूँ कि बाबा उन सबको पहले ही बहुत कुछ नवाज चुके हैं, इतना कुछ जो शायद वो डिजर्व भी नहीं करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक। हाँ तो इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना दिल बड़ा करो और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो डिमांड की है, जो कुछ तुम्हारे पास है थोड़ा बहुत, वो तुम मेरे नाम कर दो। देखो इससे होगा सिर्फ ये कि मुझे तुम पे यकीन आ जाएगा, है? परेशानी की कोई बात नहीं इसमें। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो तुम क्या फौरी तौर मुझसे शादी कर लोगी? क्या गारंटी है कि तुम खुशी से तलाक मांग लोगी और खुशी तुम्हें फौरन तलाक भी दे देगा? मैंने कहा ना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? खुर्शीद और मेरे दरमियान जो भी मामलात हैं उन्हें मैं खुद सॉर्ट कर लूँगी। देखो शादी के बाद जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तो तुम्हारा हो ही जाएगा, सब कुछ। तुम अपनी छोटी सी जायदाद के लिए परेशान हो रहे हो? मैं परेशान ही रुतबा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। लोग हैं यहाँ, बेहतर है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम अपने आप को संभाले रखो। बाहर वकील साहब मेरा वेट कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। तुम अभी जाओ। उसके इश्क में अंधे हो रहे हो? तो मुझे उसकी शक्ल में वो मासूमियत और सादगी नजर आती ही नहीं है। पहले मुझे उसकी आंखों में कशिश नजर आती थी, लेकिन अब सिर्फ तपिश नजर आती है। पहले वो सिर्फ देखा करती थी, अब वो सिर्फ सोचा करती है। खाला गाड़ी का कह दिया? हाँ बेटा मैंने कह दिया है। तुम कहीं जा रही हो बाहर? जी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। पहले ही पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है, मैं नहीं चाहती कि कोई कोर्स ड्रॉप करना पड़े। बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। अलसमश मियाँ का यहाँ रोज़ रोज आना ठीक नहीं है बेटा। मानती हूँ वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारी खैर खबर के लिए आते हैं, लेकिन खुर्शीद की गैर मौजूदगी में उसका आना मुनासिब नहीं है। लोगों की ज़बानें और नज़रें वो तो नहीं हम रोक सकते। देखो बेटा जैसी तुम हो वैसे ही खुर्शीद भी सादा और मासूम है। सब लोग तुम जैसे नहीं है, पीठ पीछे कब वार कर दे पता नहीं चलता। आप ठीक कह रही हैं, मैं अल्तमश से कहूँगी कि वो एहतियात करें। Yes.
तुम जैसे नहीं है, पेट पीछे कब वार कर दे पता नहीं चलता। जो जिसके नसीब में लिखा है उसे मिल के ही रहेगा रौनक। वैसे मुझे तुम ये बात बताओ कि जिस दिन भाई साहब का इंतकाल हुआ उस रात तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? मेरा मतलब है आखिर ऐसी कौन सी राजो न्यास की बातें हो रही हैं जिनका मुझे इल्म ही नहीं। मुझे तो झुटला ही रही हो, खुद को कैसे झुटलाओगी? एक बार अपनी वो वीडियो तो देखो। मैं तो सर झुकाकर नजरें चुराकर खामोश हो जाऊंगा, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों की जबानें और नजरें कैसे बंद कराओगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, अपने मुकाम से इतना मत गिरो कि तुम्हारे साथ जुड़े लोग भी गिर जाएं। तुम्हें खुद की तो परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। कह रहे हो अल्तमश, रुतबा को ये शर्त रखने की जरूरत क्यों पेश आई है? अब किस चीज की कमी है उसके पास? यकीन हो रहा तुम बात की? मुझ पे और मेरी मोहब्बत भी यकीन करने से डर रही है। और क्यों ना डरे? मेरी बेवकूफियों की काफी भारी कीमत चुकाई है उसने। मुझे क्या पता था कि मुखलिस चेहरों के पीछे कैसे कैसे दोखले और मुनाफिक लोग छुपे बैठे। मुझे पता चल रहा है ना, फोन खोलता मेरा। सुनो अल्तमश, जब तक रुतबा की जिंदगी में खुर्शीद और रशीदा है ना, अपनी जिंदगी के रास्तों को आसान मत समझना। रुतबा अगर सच्ची है तो हमारे करीब आने से पहले उसे उन दोनों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। बता देना उसको, उसकी शर्त है तो फिर हमारी भी शर्त है। ऐसे ही तो नहीं ना हम अपना सारा कुछ दाव पे लगा देंगे। मैंने पहले भी तुम्हें इस घटिया हरकत से बाज रहने के लिए कहा था ना। ये आदत इसे इसकी घुट्टी में मिली है। हू बहू अपनी माँ जैसी है लड़की, वो भी ऐसी औरत, फसादन और मक्कार औरत। क्या बात है, साजिश है सारी आप दोनों माँ बेटा मिलके करें, और फसादन और मक्कार मैं और मेरी माँ। मैं भी सुनना चाहती हूँ यहाँ पे कौन से मंसूबे बन रहे थे। ऐसा क्या है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं? तुम और तुम्हारी माँ तो जैसे कुछ छुपाते ही नहीं हो। ये बताओ ना, मेरे लिए भाई की वफात से पहले रौनक वहां क्या करने गई थी? ये चुपके चुपके क्या चीजें हथियार बैठे हो और हमें यहाँ खबर ही नहीं है कुछ? मम्मा मामू से सिर्फ ये कहने गई थी कि रुतबा को समझाएं। चल तो मुझसे दूर रहे, मेरा घर बचाना चाहती है वो, इसमें कौन सी कोई गलत बात है? या फिर हम सब अपनी आंखों में पट्टी बांध के अल्तमश और रुतबा के इश्क का तमाशा देखें? रुतबा और अल्तमश के इश्क का तमाशा तुम और तुम्हारी माँ एक दफा पहले भी देख चुके, भूल गई हो? तमाशा देखने का शौक रखने वाले ना खुद भी तमाशा बन जाते। अल्तमश प्लीज, पहले जो कुछ हुआ है वो भूल जाओ। आज की सच्चाई और हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और रुतबा खुर्शीद की। तुम बाप बनने वाले हो, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ दे चुकी,
जो कि मेरे पास था, फिर भी तुम्हें मेरी कदर नहीं हुई। मुझे रुतबा के सामने रुस्वा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, लेकिन मुझे रुतबा के पैरों में मत गिराओ। एक और तमाशा अस्का, प्लीज मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने में मजबूर नहीं करो। मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। कैसी हो? जब से मामू की वफात की खबर सुनी है रुतबा, जब से सदमे में हो, ऐसा लगता है जैसे सर से साया उठ गया। सिर्फ तुम ही क्या, हर मिलने वाला मुझे यही कह रहा है। सच कहूं तो बाबा के गुजर जाने के बाद मुझे उनसे और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई है। बाबा एक ऐसा सायादार दरख्त थे जिसके साए को इस बात से गर्ज नहीं कि कोई अपना है या पराया, कोई अच्छा है या बुरा। शजर को सिर्फ ये पता होता है कि वो खुद कितना बुलंद और बाज़र्फ़ हो। मैं आने की कोशिश कर रही हूँ, चल तुमसे मिलूंगी। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। यही सोच रही थी कि मुझे आने के बाद ना जाने तुम क्या कर रही हो। उनके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो बड़े से बड़ा गम सहकर भी हौसले से मुस्कुराते थे। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर ऐसा लगता है कि एक उम्र लगेगी। बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और दुआ है। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। रुतबा बेटी, दूध पी लो बेटा, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। कितना ख्याल है ना आपको मेरा। क्यों ना हो, मेरी बहन की अमानत हो और मेरे खुर्शीद की मोहब्बत। खाला, आप बता रही थी कि आप
कोई मदरसा बनाना चाह रही हैं गांव में? बेटा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, बस बच्चों को कुरान पढ़ा देती हूँ, और यह हौसला भी मुझे भाई साहब ने ही दिया था। कहते थे कि उम्र के किसी भी हिस्से में इंसान की रोशनी बिल्कुल दिए की तरह चलती रहनी चाहिए जब तक वो बुझ ना जाए। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी वहां जाके यूनिवर्सिटी और स्कूल की बुनियाद रखूंगी। अब मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। सच रुतबा बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मेरी भी यही ख्वाहिश है। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं। खुर्शीद के अब्बा की थोड़ी सी जमीन है, मैंने सोचा था खुर्शीद इस काबिल हो जाएगा तो फिर मैं वहाँ काम शुरू करवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला, तो फिर आप वहाँ जाकर काम शुरू करवाएं। जमीन है किसके नाम पर? बेटा मेरे नाम है, और वो जमीन मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्फ की हुई है। तो फिर मैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को भेज देती हूँ, आप और मैं मिलके इस नए काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन खाला प्लीज, अभी इस बारे में खुर्शीद से बात मत कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं अपने बलबूते पर करूँ, बाबा के नाम पर। तुम बेफिक्र रहो बेटा, बस समझो तुम आज से ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारा जो दिल करे उस पे करो। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। बोलो ना, बताओ। बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 मुबारक हो। इसका अल्लाह ने हमारी सुन ली, तुमने ये जंग भी जीत ली है। देखना आगे ही आगे क्या होता है, हर मैदान तुम्हारा होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ जी, दे देना डॉक्यूमेंट्स, इतनी देर हो गई है, वकील इंतजार कर रहा होगा। पहले इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, आपको पता तो है। अगर बाजिल खान को पता चल गया ना तो वो जमीन और आसमान एक कर देगा। पता है ना तुम्हें, बाजिल खान के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी माँ के बराबर, माँ के बराबर। जब उसे पता चलेगा कि तुम ये सब कुछ रुतबा के नाम करने जा रहे हो तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएगा। माँ जी, मेरे वालिद हैं, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उनको। मेरे लिए भी जमीन जायदाद हर रिश्ते से ज्यादा है। मैं लेकिन देखे ना, बिजनेसमैन अगर गिरता है तो सिक्के की चमक देख के गिरता है ना। जो कुछ रुतबा के पास है उसके सामने भला इन चीजों की क्या अहमियत। एक दफा रुतबा मिल जाए ना, उसके बाद ये घर क्या मेहर अली हाउस भी हमारा हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोटे साहब ने चाय को कहा था बेगम साहिबा। रखो। अब यहाँ क्यों खड़ी हो, रख दी ना चाय, खत्म काम, जाओ। अच्छा ना, जल्दी से कागजात दे दे। दे रही हूँ, दे रही हूँ, हौसला रखो थोड़ा सा, हद्दी हो गई। ये रहे इस घर के मुकम्मल कागजात। मुझे तो इसमें रुतबा का खूबसूरत साथ दिखाई दे रहा है। ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। क्यों उसके इश्क में अंधे हो रहे हो? तो मुझे उसकी शक्ल में वो मासूमियत और सादगी नजर आती ही नहीं है। पहले मुझे उसकी आंखों में कशिश नजर आती थी, लेकिन अब सिर्फ तपिश नजर आती है। पहले वो सिर्फ देखा करती थी,
अब वो सिर्फ सोचा करती है। माँ जी मैं तमस हूँ, आज भी रुतबा का चेहरा और आंखें पढ़ सकता हूँ मैं। खफा जरूर होगी वो मुझसे, बेवफा नहीं हो सकते। रुतबा मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकते, और अल्तमश की मोहब्बत वो मकनातीस है जो रुतबा को दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर अपने पास लेकर आ जाए। हमारे दरमियान सिर्फ एक दीवार थी, मेयर अली खान जब नहीं रही। चलता हूँ। रुतबा बीबी आपसे मिलने हैं। तुम जाओ, जब तक हमारी बात खत्म नहीं हो जाती वापस नहीं आना। वही अंदाज, वही लहजा, वही अकड़, बिल्कुल अल्तमश जैसी। तुमने तो वाकई सच्चा इश्क किया है अल्तमश से। ऑफ कोर्स सच्चा इश्क किया, तभी तो उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर लिया। ये तो है, तुमने उसे हासिल करने के लिए बहुत से झूठ बोले, बहुत सी साजिशें की, तुम अपने मकाम से गिर गई। काश तुम ये समझ लेती कि जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वो मिलकर रहता है। अगर तुम ये सारी साजिशें, झूठ, ये सब कुछ ना करती तब भी आज अल्तमश तुम्हारा होता। अल्तमश मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, इसलिए आज मैं तुम्हें आखिरी बार ये बात समझाने आई हूँ कि मेरे और अल्तमश के बीच में आने की गलती मत करना, वरना ना ही तो मैं खुद चैन से रहूंगी और ना तुम्हें रहने दूंगी। ओह, अब समझ आई। तो ये जितनी भी तुमने साजिशें की हैं, बल्कि रीसेंट तुमने जो खुर्शीद को कॉल की, उसे वो वीडियो भेजी, न जाने क्या क्या झूठी सच्ची बातें की, वो सब कुछ इसलिए किया तुमने। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्तमश सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मसला तुम्हें मुझसे है, मेरी खुशियों से, मेरी कामयाबियों से हसद है तुम्हें। कैसे ना हो, ये सब कुछ फिर से में जो मिला है तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ कोई वजाहत देने नहीं आई, इनफैक्ट एक गुड न्यूज देने आई हूँ। मैं अल्तमश को वारिस देने वाली हूँ, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स अल्तमश सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होके रह जाएगा। चैलेंज देने आई हो? चैलेंज एक्सेप्टेड।